लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली 292 सीट। इंडिया गठबंधन को 234 सीट। वाराणसी से पीएम मोदी को बड़ी जीत मिली। लगातार तीसरी बार वाराणसी से जीते पीएम, 1,92,000 वोट से जीते। आज दिल्ली में एनडीए सहयोगियों की शाम 4 बजे हो सकती है बैठक। बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को दिल्ली बुलाया। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। आगे की रणनीति पर होगा मंथन। आज सुबह 11:30 बजे मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक। पीएम के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर प्रस्ताव हो सकता है पारित। बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की राष्ट्रपति से की जाएगी सिफारिश। इसके बाद नई सरकार के गठन का हो जाएगा रास्ता साफ। आज मौजूदा मंत्रिपरिषद को विदाई देंगी राष्ट्रपति। रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा विदाई डिनर। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक। शाम 6 बजे खड़गे के घर पर होगी मीटिंग। बैठक में आगे की रणनीति पर होगा मंथन। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह और राघव चड्ढा होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। बैठक में टीएमसी की ओर से शामिल होंगे अभिषेक बैनर्जी। जीत के बाद बोले अखिलेश यादव, यह सकारात्मक राजनीति की जीत है। इंडिया और पीडीए की रणनीति की जीत है। आज कन्नौज जा सकते हैं अखिलेश यादव। कन्नौज जाने के बाद दिल्ली जाने पर फैसला। आज शाम दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक। चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली आएंगे। दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे नायडू। पवन कल्याण भी 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। आज दिल्ली आ रहे हैं नीतीश और तेजस्वी। एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं नीतीश तेजस्वी। 10:40 की फ्लाइट से रवाना होंगे दोनों। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, तेजस्वी इंडिया की बैठक में शामिल होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने आज बुलाई बैठक। लोकसभा नतीजों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 1 बजे दिल्ली आएंगे चिराग पासवान। नीतीश से मिलने पहुंचे पासवान। राहुल गांधी ने दोनों लोकसभा सीटों से दर्ज की जीत। रायबरेली से 3,90,000 और वायनाड से 3,60,000 से जीता चुनाव। वायनाड और रायबरेली से जीत के बाद राहुल ने जनता का किया धन्यवाद। बोले, मेरे बस में होता तो मैं दोनों ही जगह का सांसद बना रहता। राहुल गांधी के रायबरेली सीट को चुनने का किया जा रहा है दावा। ज्यादा वोट वाली सीट से तय होगा फॉर्मूला। केरल की वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां शुरू। आम लोगों के लिए 5 से 9 जून तक राष्ट्रपति भवन बंद। कृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई 6 जून को। शाही ईदगाह के वकील ने सुनवाई टालने का किया था अनुरोध। मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी के 10.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और विदेशी मुद्रा जब्त। 5 यात्री गिरफ्तार। मेरठ से लाइव मर्डर का वीडियो आया सामने। स्विमिंग पूल में नहाने गए युवक की सरेआम हत्या की गई। कनपट्टी से सटाकर मारी गोली।